नमस्कार दर्शक बंधु दनार प्रति अपडेट को स्वागत संध्या। दुर्बल हो जाए बात्या दाना दुर्बल हो घूर्णिझड़े परिणत हो आगामी छ घंटा मध्य आहुरी दुर्बल हो गभीर अवपात परिणत हो गत राति आरंभ हो लैंडफोन प्रक्रिया संपूर्ण हो वर्तमान बात्या उत्तर उपकूल उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि अर्थात धामरा टपी उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे 50 किलोमीटर अतिक्रम कर सारिलाणी बात्या दाना। गत 6 घंटा धरी दुर्बल होइथिबा दाना घंटा प्रति 10 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। बात्यार केन्द्रस्थल वर्तमान घंटा प्रति 70-80 किलोमीटर बेगरे पवन बहुछि। झटका पवन घंटा प्रति 90 किंबा 100 किलोमीटर जाईपारे बोली पाणिपाग केन्द्र सूचना देछि। तबे केन्द्रापड़ार रासकोनिकार सर्वाधिक वर्षा 156 मिलीमीटर रेकर्ड करा जायछि। तबे दर्शक बंधु आपण मानको मनरे निश्चिंत प्रश्न उठुथिबो हठात काहेकि दुर्बल होइगला बात्या दाना काहेकि विलंब हैला लैंडफोन रो प्रक्रिया। लैंडफोन परे भीषण बात्यारु दाना केवल बात्या स्थिति को आसीबा परे एहाकु नै चर्चा आरंभ होइछि। तबे दर्शक बंधु पाणिपाग विभाग सूचना अनुयायी दुईटी आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाई विलंब हैला बात्या दानार लैंडफोन प्रक्रिया। बात्या लैंडफोन प्रक्रिया साधारणतः 5-6 घंटा लगी थाए हेले बात्या दानार लैंडफोन प्रक्रिया प्राय 8.5 घंटा चली थिला। कारण गत राति 12टा भितरकनिकार होबाड़ी खटी नेचर क्याम्प निकटे यह लैंडफोन करथवा बेले सखाळ 8.5टा रे सरीथिला एही प्रक्रिया। आंचलिक पाणिपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांतिंको सूचना अनुयायी दुईटी आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाई विलंब हैला बात्या दानार लैंडफोन प्रक्रिया। बात्या उपकूल मुहा होइथबा बेले दुईटी आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि होइथिला। यार अर्थ बात्यार दुईपटे उभय पूर्व और पश्चिम दिगरे दुईटी गुरुचाप बल सृष्टि होइथिला ताहा दुईपटु बात्या दाना को चापी देइथिला। एहा सह गुरुचाप बलयरु निर्गत होइथबा शुष्क वायु दाना मध्यरे प्रवेश कला एथिपई बात्या दाना दुर्बल होइ पड़िबा सह एहार गति सामान्य मंथर होइ जायथिला बोली से कहिछन्ति। सेपटे पाणिपाग विज्ञानी उमाशंकर दासंको सूचना अनुयायी आम पूर्वानुमान प्रायत सठिक रहिछि। बात्या केउठी लैंडफोन करिबो सतेबेले पवन रो बेग केते रहिबो सेनै आम आकलन ठिक रहिछि। मात्र दुईटी गुरुचाप बलय मध्यरे चापी होइजबा जोगु एहा शक्तिशाली होइ पारिनि फळरे एहार लैंडफोन प्रक्रिया अधिक समय चालिथिला। एथिसह केवल लैंडफोन करिबा अंचल व्यतीत अन्य अंचल रे वर्षार परिमाण कम रहिथिला। मुख्यतः बात्या शक्तिशाली हेले ही तार आखि दृश्यमान होइथाय मात्र दाना दुर्बल होइ पड़िथिबारो ताहार आखि बाहरि नथिला। दुर्बल बात्या संपर्क रे पूर्वानुमान करिबा अधिक कष्टकर बोली से उमाशंकर कहिछन्ति। भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा रे 150 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा होइथिबा बेले अन्य केउ स्थान रे कां भा वर्षा होइथिबा देखिबा को मिलिछि। मुख्यतः बात्याटी दुर्बल होइ पड़िथिबारु एहार केन्द्रस्थल आखपाख अंचल व्यतीत अन्य स्थान रे वर्षा होइ नथिबा कहिछन्ति पाणिपाग विज्ञानी। अन्यपटे बात्या दाना को नै आजि सांबादिक सम्मेलन रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बात्या को सफलतार सह सामना करि पारिथिबा जनसाधारण प्रशासनिक अधिकारी उद्धारकारी दल जनप्रतिनिधि डाक्तरी दल पुलिस और अग्निशम बाहन को धन्यवाद जनाइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। साइक्लोन दाना 24-25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफोन हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केन्द्रापड़ा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदवाली में तेज हुआ। 80 से 100 किलोमीटर तक चला तथा करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई। प्रशासनिक तत्परता और त्रुटि शून्य प्रबंधन के चलने से कहीं भी कई जानमाल की क्षति नहीं हुई। सरकार की
जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया और 1600 शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल पर आ गया और 9 बजे में भुवनेश्वर में पहली फ्लाइट लैंड भी करेगी। 1 बजे तक सब सड़कों में ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा और शाम 6 बजे तक बिजली की सेवाएं फिर से स्वाभाविक हो जाएंगे और हमारा जो सारी डिपार्टमेंट का टीम नीचे तक ग्राउंड लेवल पर वो अभी जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। निश्चित रूप से आज शाम तक सारी व्यवस्था बिजली के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और लोग सब स्वाभाविक पर उनका चल प्रचल रहेगा। तबे दर्शक बंधु आमर विगत 4 दिन जारी रही बात्या दाना को नहीं प्रतिटी अपडेट एवं दाना सरी आज अपडेट को एठे रखुछु। अधिक खबर जानने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करों तो रहुछु। नमस्कार।